वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है इसमें आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन बटरफ्लाई एंड मॉथ। बटरफ्लाई और मॉथ में क्या फ़र्क होता है, ये वाइवा का ही क्वेश्चन है और काफ़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इससे पता चल जाती है। जैसे हम तितली की बात करें, बटरफ्लाई वो दिन में एक्टिविटी डैट इज डायुर्नल, मॉथ रात को होता है डैट इज नॉक्टर्नल। बॉडी सिलेंडर होती है इसकी, रोबस्ट और हेयर क्लैड बॉडी है। एंटीने इसके नॉब्ड हैं डिजिटल एंड पे, इसके एंटीने टेपर होते हैं। ये अपने विंग्स जो है उसको इकट्ठा करके रखती है जब बैठती है जी, तो जो दूसरी है वो विंग फ्ला के बैठती है जी। हमारे पास देख रहे हो पेरिसिस है, कैबिज बटरफ्लाई जो कैबिज पे बैठती है, दिन को एक्टिव है, नेक्टर लेती है फ्लावर का और ये अपने विंग वर्टिकली बिछा के रखती है। और इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोस होती है और इसका लार्वा जो डेट इज कैटरपिलर होता है और ये इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है। ये है हमारे पास बॉम्बैक्स मराई सिल्क माउथ जो हमें रेशम का फाइबर देता है। और इसके अडल्ट फीड नहीं करता, लार्वा कैटरपिलर फीड करता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। और इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, ये सिल्क हमें प्रोवाइड करता है। इसका जो कल्चर होता है रियर करना सिल्क, इसको हम कहते हैं सेरी कल्चर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। इसका जो लार्वा है वो ओवरेशियस है, चाहे बटरफ्लाई है चाहे मॉथ है, दोनों का लार्वा ओवरेशियस है। और मॉथ है अपने विंग्स हॉरिजॉन्टल रखता है, ये अपने विंग वर्टिकल रखता है। सो फ्रेंड, दिस वॉज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन यू मे कॉल्ड बटरफ्लाई एंड मॉथ। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना, अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक माय स्टूडेंट्स।